पानी की समस्या को लेकर दर्जनों कॉलोनी की महिलाएं और कांग्रेसियों ने पल्लर नगर जोन का घेराव किया। जब बड़ी संख्या में महिलाएं पल्लर नगर जोन पर पहुंची और स्थानीय भाजपा पार्षदों पर पानी की कालाबाजारी का आरोप लगाकर प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और निगम अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। निगम अपर आयुक्त संदीप सोनी के आश्वासन के बाद महिलाएं शांत हुई। दरअसल भीषण गर्मी के चलते इंदौर में लगातार लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, इसको लेकर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। आज कांग्रेसियों द्वारा क्षेत्र रहवासियों के साथ मिलकर निगम के पल्लर नगर स्थित जोनल ऑफिस पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में क्षेत्र महिलाओं के साथ कांग्रेस के पार्षद दल और वरिष्ठ नेताओं द्वारा जोनल कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी के नेताओं पर पानी की कालाबाजारी का आरोप भी लगाया। वहीं बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं की तीखी नोकझोंक भी निगम अधिकारियों से सुनी। मौके पर पहुंचे निगम के अपर आयुक्त संदीप सोनी के आश्वासन के बाद महिलाओं ने प्रदर्शन बंद किया। एक नंबर वार्ड में दिए गए जो सुदर्शन गुप्ता जी एक नंबर वार्ड में चला रहे हैं, उनको पूरी विधानसभा में शायद एक नंबर वार्ड ही दिख रहा है, क्योंकि जितने टैंकर अलाट हुए उसके पूरे उन्होंने एक नंबर में लगा दिए और वो टैंकर चलते नहीं है, सिर्फ खड़े रहते हैं। अगर नो टैंकर एक वार्ड में चल रहे हैं तो 45 ट्रिप पानी की होती है, और 45 ट्रिप पानी अगर वार्ड में बढ़ जाए तो मेरा ऐसा मानना है, मैं तीन तीन चार चार चुनाव जीत चुका हूँ, मैं और मेरे परिवार के सदस्य, 45 ट्रिप पानी में वार्ड में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुँच जाता हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर मोहल्लों में। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक टैंकर दिया गया है। पिछले 15 दिन से मैं पत्र में पत्र लिखता चला जा रहा हूँ कि मुझे टैंकर की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही सिरपुर हाइडेंट जो ड्राई हो चुका है, पूरी तरह सूख चुका है, वहाँ दो नए नलकूप खनन कराए जाएँ जिससे हम लोग हाइडेंट से पानी भर के जनता तक पहुँचाए जाएँ। लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा है, अपने अपने लोगों को टैंकर बांट दिए गए, बस बहुमत है उसके आधार पर। अभी जब तक कोई वरिष्ठ अधिकारी आकर के समस्या को त्वरित हल नहीं करेगा, जब तक तो हम लोग यहाँ 2 घंटे धरने पर बैठे हैं। आगामी 3 दिन में अगर हमारी समस्या हल नहीं हुई तो हम धार रोड पर एक बड़ा चक्का जाम करेंगे, और उसके बाद भी हल नहीं हुई तो मैं और मेरी पत्नी पार्षद पीपी अग्निहोत्री दोनों मिलकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों और महिलाओं को निगम अपर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि टैंकरों के माध्यम से सभी को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। निगम द्वारा हर वार्ड में टैंकरों और नर्मदा के जरिए पानी वितरित किया जा रहा है। जहां समस्या है उसे जल्द हल करने की भी बात कही। विधानसभा एक के कई वार्डों में पानी की समस्या थी, उसमें खास तौर पे जो टैंकरों में भेदभाव किया जा रहा है, बीजेपी के विधायक को और वहाँ के उनके कार्यकर्ता तक को टैंकर अलाट कर दिया गया है, और वो लोग अपने नाम लिखवा के टैंकर चला रहे हैं, और कांग्रेस के जो पार्षदों को जो टैंकर दिए हैं वो लोग भी जो प्राइवेट टैंकर दिए हैं वो ठेकेदार भी टैंकर नहीं चला रहे, और क्षेत्र की समस्या जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इसी तरीके से आज वार्ड क्रमांक एक और विधानसभा के कई वार्डों में बहुत ज़्यादा समस्या पानी की होने लगी, तो हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव गोलू अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में और हमारे पार्षद प्रीति अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में पल्लर नगर पानी की टंकी का घेराव कराया गया। उसमें संजू श्रीवास्तव जी अधिकारी आए थे, उनको ज्ञापन देने से यहाँ के लोगों ने निवासियों ने मना कर दिया, क्योंकि उनसे कई बार आश्वासन वो दे चुके हैं, क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, कई जगह लाइनें बिछा चुके हैं। गौरतलब है कि इंदौर में पानी की समस्या को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पिछले दिनों पानी की समस्या को लेकर सत्ता पक्ष के पार्षदों द्वारा प्रदर्शन और भूख हड़ताल की गई थी। अब कांग्रेस भी चुनाव को देखते हुए पानी की समस्या को लेकर लोगों को साते दिखाई दे रहे हैं।